सर निखिल सर के लिए मैंने कुछ ये नहीं लिखा कि मैं उनको कुछ ऐसा करूं, मैंने उनको मैसेज कर रखा है जो जिस बात पे उन्होंने मेरे को गलत प्रूफ करा था उनको मैंने राइट प्रूफ करा है। अभी मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगा। मेरी बात सुन, तेरे को पहले घंटी देता हूँ मैं, ठीक है ना? वो बंदे हैं जिन्होंने इस शो में ना पहले सीजन से काम किया है, ठीक है, ठीक है, वो शो को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो तू उनको जज कर रहा है, जो कर रहा है। सर, सिर्फ एक बात के लिए मैंने बोला था कि तू फिटनेस में कम है, बाकी तू सही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट में कम है। अभी तो मामा तू एक नंबर का फुद्दू आदमी बन चुका है। अभी अगली बार आई हो मेरे बारे में भी गलत लिखियो, लिखियो। सर उनको मैंने गलत प्रूफ करा इसलिए लिखा मैंने, प्रूफ ना होता ना मैं लिखता भी ना, मेरे पास प्रूफ था तभी मैंने लिखा। प्रूफ है कि इज डिसगस्टिंग। सर क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, जवाब क्या दे रहे हो आप? भाई मेरे, भाई मेरी तरफ से तो खत्म है, अगर मेरे सीनियर्स की नहीं रिस्पेक्ट कर सकता तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग को ना बहुत दूर से सूख जाती है, कोई डिसऑनेस्टी कर रहा था ज्यादा कूल बन रहा होता है, तो ओवर स्मार्टनेस की यहाँ जगह नहीं है। अगली बार हमारा नाम भी लिख दियो फॉर्म में, चल निकल। थैंक्स। मैं हो सकता हूँ टाइप राइटिंग में गलत हूँ, ठीक है, जो मेरे कहने का मतलब। पूरा दरवाजा निकल जाए, इससे पहले मैं उठूंगा और कुछ करूंगा, वो देख वो पीछे दरवाजा निकल जाए। ठीक है सर, निकल जाए। हो गया यार, हो गया हमारा। चलो विशु, बिगेस्ट लेसन दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इज, वो ये है कि चाहे तू इंटरव्यू में जाए किसी की जॉब की, चाहे किसी शो में जाए, जीतना जरूरी है, लेकिन जो तू है उसके बल पे जीतना, जो तू नहीं है वो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो रास्ता लंबा नहीं होगा, वो टूट जाएगा, है ना? बिल्कुल। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। टाइगर। यस सर। कितना जरूरी है तेरे लिए रोडीज में आना? सर मेरे को जीतना है, मेरे पास समझ में नहीं आ रहा सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने उस दिन देख टाइगर, जो एनर्जी होती है ना तेरे अंदर, एनर्जी है ना तेरे अंदर, एनर्जी है, लेकिन वो सही दिशा में लगनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो पता है, मेरे को पता नहीं है सर, गाइडेंस नहीं मेरे अंदर। क्या लगता है यार टाइगर? मुझे लगता है तेरे में बहुत जोश है, जान है, जज्बा है, लेकिन तू जोश तेरे को यूज कर रहा है, तू जोश को नहीं यूज कर रहा है। तो आप किस लिए हो मैम, आप किस लिए, आप मुझे तू रस्सी चढ़ा, हम देखो आधे रास्ते में बोला, रुक जा रुक जा, तू ऊपर तक गया, तू कहां सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता है, तो इसलिए मेरे लिए सॉरी। मेरे पे जुनून है, जज्बा है, जुनून जो है आपके अंदर टाइगर जी सर है तो खतरनाक, ओके नो डाउट। क्या है, आप हैं गतिदेव, मैं आप से रुकते नहीं करता हूं, मेरी वजह से आपकी इज्जत और आपका कद दोनों कम, तो आप सुनते भी नहीं सर, ना आप रुकते हैं ना आप सुनते हैं और ना ही आप किसी की सुनेंगे। थोड़ा सा बीमार हूं मैं, इसकी वजह से नहीं सच बोल रहा हूं मैं, वरना इतना बीमार में लोग कम बोलते, तू ज्यादा बोल रहा है सर। मैं जोश है मुझे जीतने का, बीमार में ऐसा तो मुंह की स्पाइस शुगर है, बीमार है, अगर तो बीमार ना होता तो हमें जाना पड़ता। क्या लगता है, क्या डिसीजन लो भाई? मेरे लिए तो नहीं है, टाइगर तीनों रेड लाइट्स हैं दोस्त, तेरे अंदर एक बहुत अलग तरह की एनर्जी है जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होती, ठीक है, अलग ताकत है, लेकिन वो ताकत सही दिशा में लगनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो गलत दिशा में लग गई तो नुकसान करेगी, आसपास वालों को लगता होगा यार ये झगड़ा तो नहीं कर लेगा, ये लड़ तो नहीं पड़ेगा, ये कुछ बोल तो नहीं देगा, ये तो कुछ पंगा तो नहीं कर देगा, वो कभी भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, खासकर इंडस्ट्री में आप एक्टर हो। यस सर। ऐसे एक्टर मैं जब फिल्में शुरू करता था ना, मेरे सेट पर पता भी नहीं होता मैं कहाँ बैठा हूँ, चाहे मैं मेन लीड करता हूँ, मैं बैठता पीछे था एकदम, पता नहीं लगता, लोग बोलते यार किधर गया, हाँ आ जा पीछे शॉट दे दे, सो दैट शुड बी योर पास, आराम से चुप, जब मुझे एनर्जी दिखाओगे मैं एनर्जी दिखाऊंगा और मैं जाके आराम से पीछे वाले बेंच पे बैठ जाऊंगा, वो तेरे को एनर्जी करानी है, क्योंकि तेरे अंदर सब कुछ है, सिर्फ तेरी एनर्जी चैनलाइज करनी जरूरी है। सही, ऑल द बेस्ट टाइगर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, फिर से आऊंगा वापस, फिर आऊंगा वापस। ये देखा प्रिंस, टैलेंटेड है, दम है बंदे में, इतना सही था ना वो, इतना सही था, बस वो सुनने की आदत नहीं। अभी मैं जैसे ऊपर बोला, मैंने उसी टाइम मैंने सोचा मैं नहीं लूंगा, जब मैंने बोला रुक बस, वो फिर भी चढ़ता रहा, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे बहुत कंटेस्टेंट देखे हैं जो सुनते नहीं है और फिर टास्क में अपना कुछ भलता करके आ जाते हैं और फिर बोलते सर हो नहीं पाया, जब तुम सुनोगे नहीं तो नहीं हो। सो आई होप कि जब वो आए नेक्स्ट टाइम, यस, चैनलाइज हो गया है, यस, अगले कंटेस्टेंट को बुलाएं, यस भाई। कैन वी हैव अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट? हाय तनु। हाय सर, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? हाय सर। हाय सर। हाय मैम। हाय तनु, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? एकदम, तेरा गेटअप ही ऋषिकेश का है। हमने गाना साथ में किया हुआ है। अरे वाह, शी इज सच अ नाइस गर्ल,
और बहुत टैलेंट है, बहुत ही डांसर है और ये बाकी तो चीजें करके दिखाई देगी। तनु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अपने बारे में बताना कुछ। मेरा नाम तनु रावत है, मैं 19 साल की हूँ और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। क्या करेगी ऐसा जो लोग कहेंगे यार रोडी हो तो ऐसी हो? मैं ऐसा करूंगी कि लोग दंग रह जाए कि यार, क्योंकि ना सर मैं रोडीज में इसलिए आना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो लोगों को लगता है कि ना लिपसिंग करके फेमस हुए होंगे या ऐसे ही फेमस होंगे, बट मैं उनसे हटके हूँ। मैं डांस करती हुआ करती बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। वैसे सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हो गए अभी आपके? 3.6 मिलियन। वाओ, नाइस, अमेजिंग। डांस बहुत सही करती है, आपको उसे डांस देखना चाहिए। चलो फिर लगा दे यार, वेट मत कर, अच्छी चीजों के लिए इंतजार मत किया कर। ठीक है चलो। Play the music, MTV Beats. क्या बात है? वाह क्या बात है। मतलब तू बड़ी एकदम, तूने गाना बड़ा चुना है, एंड में भी क्या बात है, लोग बोले हाँ यार क्या बात है। ये आपके बाल काफी कूल हैं और ये सर पे टीका क्या? आपका फोकस बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सारे पोजेस में आने के लिए ही काफी वक्त लगता है। आप सिर्फ 19 इयर्स की हैं लेकिन आप इतनी फोकस्ड हैं। थैंक यू मैम। रोडीज में आना कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत ज्यादा। क्यों? मुझे स्टंट करना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे टास्क करने बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे आना है बस, मुझे नहीं पता। गैंग लीडर्स, यस, सब कुछ करके बताया। बताओ आपके आसपास जो जंतर मंतर हमने लगा के रखे हुए क्या है? ले रिया ने तो घंटी बजा दी है भाई। प्रिंस सर, सर आप ही रह गए सर, जल्दी प्लीज ले ले। चलो आपको एक बात बोलूंगा कि मेरे गैंग में ना 6-7 लड़कियां हैं और मेरा गैंग ना बिल्कुल अभी फुल है, पर मैं चाहता हूं कि आप रोडीज में आए। और मुझे ये भी पता है आप, मैंने ऐसा काम किया, आप जिसके भी गैंग में जाएंगे उसके लिए लॉयल रहेंगे और उसके लिए अच्छा खेलेंगे, तो मैं चाहता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी बिट लगे। मैं ये खुश हूँ कि आप रोडी बन रहे हो, आप रोडी में आ रहे हो। थैंक यू सर। शुरू करें? करो शुरू। 100 बहुत कम है मैम, इतना कम। देखो मैंने इतना सब कुछ किया आप लोग ले, तो ये बढ़ाएगा ना फिर बिट। तनु कुछ एक थोड़ा एक फिटनेस का कुछ जलवा दिखा दे इसको, ये देख ले। अब बोल, ये तो 100 में देखने को नहीं मिलेगा। तुम उसको गैंग में लेने की बात कर रहे हो। गौतम चेहरे पे दिख रहा है कि वो प्रिंस के गैंग में जाना चाहती है। चेहरा छोड़, रोडियम की ताकत देख। 100 रोडियम 1। सर बढ़ाओ ना। गौतम तू बढ़ा सकता है। 100 रोडियम 2। 200। 300। 400। 500 लास्ट में। 600। अरे इतने बड़े हैं तेरे पर रिया, तू क्या कंजूसी कर रही है? 700। मौका छूट जाएगा सर। आई एम टेलिंग यू शी इज वेरी फ्लेक्सिबल और वे लाइट वेट है और ये बहुत जल्दी टास्क करेगी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। लास्ट 800। 900। आप मेरे गैंग में आना चाहती हो? हाँ। ओह। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो लगता नहीं मुझे वो मेरे गैंग में आना चाहती। आर यू लॉयल? यस सर। पूरा टास्क अच्छे से करोगे? पक्का। You're sure you want to go in his gang only? आप दो जो डिसाइड करोगे, मतलब जो ज्यादा बेटर है। पर फिर ये बाद में पलटी खाएगी पता है? क्यों खाऊंगी पलटी में मैम? मैं पैसे खर्चूंगी इस पे, इसको गौतम पसंद है या प्रिंस पसंद है फिर बाद में मेरा। अच्छा चलो मैं आपके लिए 1000 करता हूँ, ठीक है? चलो 1100। ये ले लो। डन ठीक है। वेलकम टू रोडीज। आ जाओ आप लोग। वेलकम टू रोडीज।